फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं नहा कर रेडी हुई हूँ और बस बाकी सारे काम तो हो गए मेरे। ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है, नहा भी लिया है और अभी चलते हैं नीचे कुछ खा लेते हैं क्योंकि पेट पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भूख तो सबसे पहले लगती है और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, 12:30 बज चुके हैं। अब देखते हैं कुछ खा पी कर आते हैं, फिर बाकी सारे काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज तो बढ़िया मौसम है, बारिश भी नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल रही है, तो बढ़िया कपड़े भी सूख जाएंगे क्योंकि कपड़ों की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा मौसम है आज। फ्रेंड्स, थाली लग चुकी है और आज के खाने में आलू टमाटर की सब्जी, सेव और रोटी। और यहाँ पर पापा भी खाना खा रहे हैं। मम्मी, पापा को आम नहीं दिया आपने? मैंने अपने लिए बचा कर रख लिया। पापा मम्मी ने अपने लिए बचा कर रख लिया, आपको नहीं दे रही हो? वो नहीं खाती। मम्मी, आप नहीं खा रही खाना? अभी खाऊंगी थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन वगैरह भी साफ हो गए हैं, मतलब घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अभी दोपहर हो रही है, अभी कोई सोया भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बाकी की जो फ्रॉक बची है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पीको भी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वैसे भी बहुत सारा घेर है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस फ्रॉक को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रॉक बनकर हो गई है रेडी और सिर्फ इसमें नीचे पीको और करना बाकी है, बाकी पूरी फ्रॉक बन चुकी है। पीको की मशीन रखी हुई है ऊपर, तो अभी चल रही है क्लास, तो जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी इसके बाद मैं इस फ्रॉक पर पीको कर लूंगी, फिर मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी ये पूरी बनने के बाद कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, अभी क्लास एंड हो चुकी है तो अब कर लेते हैं हम पीको। पहले मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि पीको वाली मशीन में से बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो फिर पूरी आवाज ना क्लास तक पहुंचती, इसलिए मैंने दिन में नहीं की थी। तभी मैंने कहा था मैं शाम को करूंगी, तो अभी शाम भी हो चुकी है, तो अभी मैं पीको कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है, इसमें मैंने पीको भी कर दी है पूरे घेर पर। अब बस इसमें प्रेस करना और बाकी है, तो मैंने प्रेस गर्म करने के लिए लगा दी है। अब देखो, स्लीव्स कुछ इस टाइप से बनाई है हमने और नेक तो सिंपल ही रखी है क्योंकि नेक उसने सिंपल ही बोले थे। और ये रहे इसकी लटकन, और ये जो डोरी थी ना उसने बोला था ज्यादा बड़ी बड़ी डोरी मत लगाना क्योंकि वो बार बार खुल जाती है इसीलिए। और ये है इसका पूरा घेर, ये देखो, और ऑर्गेंजा फैब्रिक है, एक तो वो रुक भी नहीं रहा है, ये देखो इतना सारा इसमें हमने घेर दिया है। अब आप लोग बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है। बस ये रेडी हो चुकी है, मैं इस पर प्रेस ऑन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेस गर्म करने के लिए लगा दी थी मैंने पहले ही, और ये रही मेरी ड्रेस, ये हो गया है रेडी। पूरा बन गया गुड़िया ड्रेस? हाँ, ड्रेस भी पूरा बन गया, मेरी चुन्नी भी पूरी बन गई है, पर मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस पे अभी आयरन करनी है और उसके बाद फिर इसको मुझे वेयर करना है। और गुड़ी, पता है तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैंने अलग टाइप का हेयर स्टाइल किया है। हाँ, ऐसे बचपन में करते थे पहले हम लोग। आपने दिखा दिया क्योंकि मैं बस इनको खोलने वाली हूँ। हाँ। सुबह से करके घूम रही हूँ मैं, पता है? नहीं, मैं सुबह से आई नहीं थी गुड़ी, पहले ये ड्रेस बना रही थी ना इसीलिए। तो अभी मैं इनको खोलूंगी ना, फिर फाइनल लुक पता चलेगा की जो मैंने इतनी सारी मेहनत की है, इतनी छोटी छोटी चोटियां बना के, तो उसका क्या रिजल्ट है, निकला है कि नहीं निकला है। हाँ, तो अभी मैं फिर बाद में दिखाऊंगी आपको अच्छे से। अभी मुझे रेडी होना है क्योंकि आज मुझे शूट करना है। कौन से सॉन्ग का शूट करने वाली हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। हाँ गुड़िया, ठीक है, चलो, है ना? जब तक तुम रेडी हो, जब तक हम करते हैं आयरन। तो ठीक से नहीं हुई होंगी दीदी क्योंकि वो मुझसे हो नहीं रही थी खुद से, तो मैंने तुम मुझे बुला लेती, मैं कर देती। तो आप खाना खा रही थी, मैंने इसलिए नहीं बुलाया था, तो वो हो नहीं रही थी, तो जैसे भी मुझसे हुआ फिर मैंने। नहीं, वो अच्छी लग रही, पता है गुड़िया, अपन ऐसा हेयर स्टाइल बना के कहीं जाए भी ना तो अच्छा लगेगा। बस ये तुमने पीछे कर ली इनको, ये वाली को, आगे वाली को। वो दीदी, मैं इधर पे स्टिचिंग कर रही थी ना, तो वो मेरे आगे आ रही थी बार बार, इसलिए मैंने उनको पीछे कर दिया। हाँ, तो उनको भी अपन पूरा आगे कर लेंगे ना, तो फिर यहाँ से ऐसा माथा चपटा चपटा टाइप का नहीं दिखेगा। चपटा दिख रहा है मेरा माथा? हाँ हाँ, दिख रहा होगा क्योंकि पूरे बाल तो मैंने पीछे कर लिए हैं। हाँ। तो चलो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है पता, लेकिन सच में अच्छा लग रहा है। हाँ। तो चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमारी गुड़िया रेडी हो गई है और यहाँ इसकी डांस की प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में ही शूट भी चल रहा है, दोनों काम साथ में ही चल रहे हैं। और बताओ आप लोग कैसी लग रही है हमारी गुड़िया? अच्छी मस्त लग रही है ऐसे। और ये देखो ना, बाल तो वैसे के वैसे ही है यार, कुछ भी नहीं हुआ बालों का। तो नहीं हुआ गुड़िया, कैसे नहीं हुआ यार, देखो पूरे अच्छे से दिखने लगे। अच्छा, जैसे उसमें दिख रहे हैं ना गुड़िया, बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे। अच्छा? अगर अपन ऐसे रोल भी करते ना तो भी इतने अच्छे नहीं आते। हाँ, वो नहीं आते वैसे कर। हाँ, गुड़िया की ब्लाउज की डिजाइन देखो आप लोग, कितनी अच्छी लग रही है ना। पता है ये पूरी लेस इससे बनाई है हमारी गुड़िया ने। अच्छा लग रहा है गुड़िया, पता है तुम्हारा ड्रेस और तुम्हारा स्कर्ट भी अच्छा लग रहा है। बस मेरे को ना दीदी एक चीज बड़ी बेकार लग रही है। क्या? वो ये कि मतलब उनके में जो यहाँ से ये जो डिजाइन दिया हुआ है ना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर डिजाइन है, तुम बाद में हटा देना। हाँ, इसीलिए तो।
और उनका ऐसे टाइप से ये डिजाइन दिया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पर ठीक है अब उनके जैसा था वैसा सेम करना है तो मन को तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, वही तो। पूरा ओवरऑल लुक बताओ आप लोग, कैसे लग रहा है हमारी गुड़िया का? अच्छा लग रहा है गुड़िया, पता है स्कर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लाउज अच्छा नहीं लग रहा है? ब्लाउज भी अच्छा है, मतलब स्कर्ट ऐसा है कि आप कहीं भी वेयर करके जा सकते हो। ब्लाउज नहीं जा सकते? ब्लाउज तो शादियों में ही अच्छा लगेगा गुड़िया। हाँ, और ये स्कर्ट ऐसे रोज में पहनेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, कैसी बातें करती हो ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही थी मैं। हाँ, तो नई चीज अच्छी लग रही है लेकिन वीडियो में ही अच्छी लग रही है। हाँ, शादी में भी अच्छी नहीं लगेगी। सही बात है, वो क्या वीडियो के हिसाब की चीज़। हाँ, पता है गुड़ी तुमने ये जो ब्लाउज पहना है ना, ऐसे वो जो नागिन जो लोग होती है ना, नागिन जो लोग नहीं होती दीदी, वो जो नागिन का रोल करती है ना, जो हाँ वो लोग पहनती है इस टाइप के ब्लाउज सारे, है ना, इसी टाइप के पहनती है। और श्रीदेवी ने भी बहुत पहने हैं इस टाइप के ब्लाउज, क्योंकि उन्होंने नागिन की फिल्में की है ना, इसलिए। चलो तो अभी हमारी गुड़िया का शूट हो रहा है, तो अभी तो कोई है नहीं है, बस हम दोनों ही कर रहे हैं और हम दोनों ही मटके जा रहे हैं बस। अच्छा लग रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है हमारी गुड़िया को लुक, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारी तो लाइक करना ही करना है, लेकिन गुड़िया की भी वीडियो को लाइक करना है, जाके शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हमारी गुड़िया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि जल्दी आगे बढ़े वो। हाँ। चलो बस करो गुड़िया, बहुत है, बहुत थक गए हैं, पैर भी दर्द करने लगे मेरे तो नहीं कर रहा है, मतलब गुड़िया के, क्योंकि वो जब से नाचे जा रही है नहीं, दीदी भी तो खड़े होके मेरी शूट करे जा रही है, जा रही है। हाँ तो पता है हम दोनों ही थक गए हैं, अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलो गुड़िया चलते हैं अब। फ्रेंड्स अभी आ गए हैं नीचे, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सूट को स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि पूरा सूट स्टिच हो पाए, तो इसलिए मैं अपने ट्राउज़र को स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि ट्राउज़र तो स्टिच हो ही जाएगा, तो इतना टाइम तो है, फिर जल्दी से ट्राउजर स्टिच कर लेती हूँ, फिर खाना वाना भी खा लेंगे। और अभी प्रीति मार्केट गई है, तो जब तक प्रीति भी आ जाएगी, क्योंकि फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगता, मतलब सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है खाना खाने में, तो अभी जब तक वो लोग ध्रुव और प्रीति भी आ जाएंगे, अभी वो लोग कुछ सामान लेने गए हैं, जब तक मैं अपना ट्राउजर स्टिच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी हमारा ट्राउजर स्टिचिंग हो गया है, और मैंने ना इसको सिंपल वाला ट्राउजर बनाया है, मतलब बिना इलास्टिक का, ऐसा कमरबंद वाला, और इसमें मैंने साइड में पॉकेट भी लगाई है, ये देखो, क्योंकि ये कुर्ती के साथ का है ना, इसलिए मैंने इसमें पॉकेट लगा लिया। अगर ऐसे नॉर्मल वाला होता तो फिर मैं पॉकेट नहीं लगाती हूँ, फिर मैं बिना पॉकेट के लगा लेती हूँ, और ज़्यादातर मेरे जो ट्राउज़र होते हैं ना, वो सब ऐसे बिना उसके ही रहते हैं। और पता है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर ट्राउज़र ना बिना इलास्टिक के ही बनाती हूँ, सब ऐसे कमरबंद वाले बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इलास्टिक जब भी लगा लेती हूँ ना, फिर मेरा पेट दर्द करता है, इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ इलास्टिक, बिना इलास्टिक के बनाती हूँ सब। फ्रेंड्स खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, और हम लोग बैठ गए हैं फ्री होकर, और यहाँ पर मम्मी सुन रही है प्रवचन, और प्रीति भी आ गई, ध्रुव भी आ गया, और खाना खा के वो लोग भी ऊपर चले गए, और वो लोग कुछ स्टूडियो का सामान लेकर आए थे। फिर तुम घूम आई, क्या क्या सामान ले आई? दीदी बस एक बैकग्राउंड लेकर आए हैं और एक फैन लेकर आए हैं। सोच रहा है नींद आ रही है, अब सो जाए जाके। तो सो जाओ, और क्या 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 सामान लेके आए? मैं खोल लिया क्या सारा सामान? अरे सारा सामान क्या, इतना थोड़ी लेके आए थे सामान, वो एक बैकग्राउंड लेकर आए थे, ठीक है, और एक फैन लेकर आए थे, फैन ये ध्रुव ने सेट करके पूरा रख दिया है, ये वाला फैन। हाँ ये वाला फैन बढ़िया है यार, है ना, पर अपने पास तो ऐसे है ना दो दो तीन तीन प्रीत, जो जहाँ के लिए जरूरत है ना वो वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा में नहीं है? हाँ वहाँ पर नहीं है प्रीत, तो मैं घर में लगती नहीं है ना, तो वहाँ पे क्योंकि लाइट वगैरह पूरे सेट है, तो वहाँ पे फैन नहीं था, तो इसलिए फिर यहाँ पर फैन लगा, और ऊपर वाला चला नहीं पाते। हाँ, और ऊपर वाले में तो बिल्कुल भी नहीं चला पाते, वो तो जैसे ही चालू करो फैब्रिक उड़ने लगता है, तो बताए कुछ भी कटिंग नहीं हो पाती, फिर वो चलाते हैं, तो इसलिए फिर ये बॉल वाला फैन लेके आए, फिर अब ध्रुव इसको सेट करेगा कल, देखेंगे जब भी दो तीन। हाँ, जब टाइम मिले तब कर लेना, अभी आज टाइम मिल गया, गए थे तो हम ले आए। और देखो दीदी वो कौड़िया भी लेके आए हैं, वहाँ पे मशीन पर रखी, अब तुम जाके देख लो मेरे पैर। किस कौड़िया? मतलब ऐसे वो लटकाने वाली? हाँ वो देखो तो तुम दिख जाएगी तुम्हें। हाँ अरे छिपा में पाक नहीं, मुझे दिखे तो। हाँ ये अड़ा था बीच में ट्राइपॉड दीदी, वो ये देखो ये ले आए हम, वो उससे डेकोरेट करके एक ड्रेस बनाने वाले हैं ना, वो मल्टी कलर की, मल्टी कलर नहीं दीदी, वो कपड़ा तो ऐसा है ना, देखो कपड़ा नहीं देखा तुमने क्या, कपड़े में ये कलर है ना स्काई ब्लू पिंक, और बताए मेहंदी कलर भी है, तो अच्छा वो अनारकली वाली ड्रेस। हाँ वो अनारकली वाली ड्रेस के लिए, तो ये दोनों सारे मोती वगैरह उसमें लगा के कुछ अच्छा सा पैटर्न दे रहा है। हाँ हाँ, तो ये इस टाइप का पैटर्न देंगे, बाकी बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड तो खुल के लग जाएगा, तब देख लेना, या फिर अभी और क्या उसमें क्या दिखेगा प्रीति यार, वो इतना बड़ा है फिर उसको पैक कौन करेगा। हाँ, और ब्लू कलर है, ब्लू कलर का लिखा है, डीप ब्लू कलर। अच्छा, क्योंकि ब्लैक तो अपने पास है ना ये वाला।
हाँ हमारे पास ब्लैक भी है और ग्रे भी है। ग्रे भी है तो फिर मैं हम लोगों ने इसलिए ब्लू फिर सिलेक्ट किया कि ब्लू कर लेते हैं। हाँ और फिर इसके बाद लगा के देखते हैं कैसा क्या शूट आता है। ब्लू कलर की तो अपनी बॉल ही थी ना एक, दीदी जमीन थोड़ी ब्लू थी। हाँ फिर नीचे भी आ जाता है बॉल पे तो कितना अच्छा शूट आता है। हाँ अच्छा आता है। हाँ, लेकिन फिर वो नीचे पूरा ऐसा नीचे टाइल्स दिख जाते हैं फिर वो अच्छे नहीं लगते। यही यही हाँ चलो सही है। और इसीलिए शूट तो अच्छा आता है ना लेकिन उसपे। हाँ शूट अच्छा आता है, कलर भी अच्छा दिखता है और गोरे भी दिखते हैं प्रीति उसमें। हाँ इसलिए तो दीदी ऐसे डार्क टाइप का कलर चूज किया हम लोगों ने। हाँ वो सही है ब्लू कलर। देखते हैं अब कैसा आएगा शूट, उसी के बाद पता चलेगा। वो तो ऐसे देखने में कुछ नहीं रहता, जब शूट करते हैं तब पता चलता है। हाँ तो कितनी थकी थकी दिख रही है, थक गई क्या? इतना सारा सामान लेके आए, मार्केट गए, क्लास हुई, फिर उसके बाद मार्केट चले गए। चलो अब तुम यहाँ मत बैठी रहो, आराम कर लो जाके। थक गई तो चलो एक बार कलर तो देख ही लेती हूँ मैं, कैसा कलर है। ये वाला ब्लू कलर लेके आएंगे लोग, अच्छा है वैसे। दीदी लाओ निकाल के ही दिखा देते हैं यार तुम तो। हाँ ऐसे जब देखना ही है तो फिर। अरे मैंने सोचा कलर तो देख ही लेती हूँ किस टाइप से है। लो ऐसे टाइप का कलर देखो, देख लिया अभी मैंने, अच्छा है वैसे। कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हाँ और पता है इसमें ना प्रीति, अगर जैसे अपन कुछ कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं और जब भी कुछ ऐसे फोटो वोटो क्लिक करने के लिए रखेंगे ना, ऐसे नीचे नीचे रख के भी करते हैं ना बहुत सी ड्रेसेस फोटो क्लिक, तब भी अच्छा दिखेगा इस पे। हाँ तो अच्छा ही दिखेगा। और पता है हम टॉबिल भी लेके आए थे, टॉबिल तो नीचे ही रखी हुई है, वो नहीं देखी तुमने? नहीं मैंने नहीं देखी। वो पता है वो टॉबिल देखना तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, वो उस पर शूट भी करेंगे ना तो उस पर बहुत अच्छा आएगा। टॉबिल पे कौन शूट करता है? अरे मतलब ऐसे रख के कुछ ऐसे हाँ छोटे सा कुछ वगैरह बनाए तो। हाँ कुछ दिखाने के लिए ऐसा बहुत सुंदर लगेगा। अरे मम्मी बैठे बैठे क्यों सो रही हो, बिस्तर पे सो जाओ जाके। सो रहा है पीयूष, पीयूष बिजी है और फ्री हो जाए। हाँ पीयूष का वेट करती रहती हो और क्या। और मम्मी प्रीति बोल रही है वो टॉवल बहुत अच्छी लेकर आई है, देख ली क्या आपने? कैसी टॉवल लेकर आई है? वो रखी थी नहीं आपने नहीं देखी? अब मतलब मैं ऊपर थी, वो मुझसे बोल रही दीदी देख क्या टॉवल बहुत अच्छी लेकर आए। सुंदर है, बहुत सुंदर। ऐसा क्या है टॉवल? ऐसा क्या है मम्मी आपने ऐसा क्या बोला? बहुत सुंदर है, देख लो खोल के। कुछ खराबी होगी तभी बोल रही है ये ऐसे। ये रखी है टॉवल, अब इसमें बंधी हुई है गठान जो कि मुझसे खुल नहीं रही है, खुल गई। अच्छी तो लग रही है मम्मी, कलर भी अच्छा दिख रहा है। अच्छी तो है मम्मी, देखो कितना अच्छा कलर दिख रहा है और कितने गोरे दिख रहे हैं। सही तो बोल रही थी वो, पता है वो क्यों लेकर आई है? पता है क्यों लेकर आई है? क्या बोल रही थी, जैसे अपन स्लीव्स वगैरह की कोई डिजाइन बनाए या फिर नेक के लिए बनाया है अपन ने तो उसपे ऐसे रख के फोटो क्लिक कर लें, इसलिए लेकर आई है। इसमें ना कलर अच्छा है ना तो उसमें अच्छा दिखेगा, इसलिए बोल रही थी उतने स्पेशली। आप क्या बोल रही थी? खराब है? खराब कहाँ बोली? नहीं मतलब इसके लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बोली है, खराब थोड़ी ना बोली। मैं लेकिन मतलब आपका यही था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जब थोड़ी ना कही बक सुंदर है, बहुत सुंदर कही थी। पता है फ्रेंड्स जब भी मम्मी ऐसे बोलती है ना कोई चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, तो तब उसका मतलब यही रहता है, उसका मतलब अपोजिट ही रहता है। इसलिए मैंने सोचा पता नहीं क्या है ऐसा खराब ले आई जो मम्मी कह रही हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो मम्मी आपको टॉवल अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मतलब सचमुच अच्छी थी, मैंने गलत समझ लिया इसलिए मुझे ऐसे थोड़ी गलत से समझती है। क्योंकि मम्मी लोग ना हमेशा ऐसे ही करती हैं, कोई मतलब ऐसा कोई गुस्से वाली चीज होगी ना तो उसको भी पता है अजीब टाइप से बताती हैं, मतलब कुछ समझना ही नहीं आता कि क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं। और कभी गुस्से में रहती हैं तो समझ में नहीं आता, कभी खुशी में रहती हैं तो ऐसा लगता है गुस्सा ही कर रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी मस्ती तो हम लोगों की चलती रही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी जब तक सो जा रही